Hello everybody, this is Sapna and I'm going to discuss about the writing task two topics for 28th May as well as 4 June के लिए भी आप ले सकते हैं, but basically 28th May के लिए IELTS exam के लिए ये task बहुत important है. So must practice before exam if you want to score 7 plus bands. Same category आ सकती है, similar kind of vocabulary could be used और thesis statements तो जरूर करके जानी है इस topic से related जो भी मैं अभी बताने वाली हूँ. इसका पीडीएफ यस फॉर श्योर आपको मिलेगा, दैट विल बी ऑन माय टेलीग्राम चैनल, बट आफ्टर द वीडियो, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड. देयर दीज आर द एक्सपेक्टेड टॉपिक्स, सो डोंट जस्ट डिपेंड ऑन दिस. आई एम टेलिंग यू कि आपने ये सारे के सारे जो टास्क हैं ये करने हैं, बट इसके जो वोकैबुलरी है वो सिमिलर वोकैबुलरी आप दूसरे टास्क में भी यूज कर सकते हैं. सो डोंट थिंक कि सेम नहीं आया या फिर ऐसा नहीं था. सपोज न्यूज़पेपर से रिलेटेड है तो ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मीडिया से रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो सकता है. सो आपको वो चीज़ें जरूर करके जानी है पहले से ही. टेक्नोलॉजी या मीडिया से रिलेटेड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह के राइटिंग टॉपिक्स आ सकते हैं. तो ये लिस्ट आपके सामने है 28 जून एंड 4 जून के लिए. इसको पहले से प्रिपेयर करके चले, ऑल द बेस्ट. अगर आपने ये प्रिपेयर कर दिया तो 7 प्लस बैंड्स आपके आसानी से आ सकते हैं. सो यस, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट विल बी अपलोडेड ऑन माय टेलीग्राम चैनल. सो ऑल द बेस्ट गाइस, डू बेस्ट.